अंशु के ननद के चैनल से सारी वीडियो डिलीट हो चुकी हैं। अंशु की ननद ने क्यों किया वीडियो डिलीट दोस्तों? और इसी बीच वीडियो आता है अप्सरा मॉम का, जिसमें रंजना दुर्गा माँ का लुक क्रिएट की होती है, जिसमें अप्सरा मॉम कहती हैं कि पंडाल में जाके बैठ जाओ, ढेर सारा चंदा इकट्ठा हो जाएगा। आखिर ऐसा अप्सरा मॉम ने क्यों कहा, सारी जानकारी आप सबको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम अंशु, अंशु की जो ननद है उनका एक वीडियो आता है जिसमें अंशु की ननद अंशु के बारे में बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ भरा भुला कहती हैं, बहुत कुछ कहती हैं कि अंशु ऐसी है, अंशु ऐसी है, अंशु की वजह से मेरी माँ रोती है, मेरी माँ बुरी होती तो क्यों रोती रहती दो दिन से, बहुत कुछ कहने कहती हैं। और अभी के टाइम में अंशु की ननद के चैनल से सारी वीडियो डिलीट हो चुकी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अंशु को पसंद करते हैं, वो अंशु के वीडियो देखने के बाद से डायरेक्ट अप्सरा मॉम के वीडियो पे जाके कमेंट करते हैं कि अंशु को अनाथ बोला है ऐसा, अंशु की ननद ने अंशु को अनाथ बोला था तो उस पर कमेंट करते हैं। तो हालांकि अप्सरा मॉम ने अपने तरफ से जवाब भी दिया, एक वीडियो द्वारा बताया है कि अंशु अनाथ नहीं है, अंशु के लिए हम कल भी थे आज भी है, अंशु मेरी बेटी है, वैसे मेरी बेटी पूजा है, वैसे अंशु भी है। आप सबको पता है कि अप्सरा मॉम सचिन भैया की जो मम्मी है आंटी जी, उन्होंने अंशु का कन्यादान किया है, कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, कन्यादान इंसान बेटी का ही करता है, तो उन्होंने अंशु को भी अपनी बेटी माना है और उनसे जितना हो पाया सब कुछ करके अंशु की विदाई की, जो कुछ भी उनसे समर्थ हुआ उतना किया, और अंशु को वो अपनी बेटी ही मानती है, अपनी बेटी जैसे पूजा है वैसे उनके लिए अंशु भी है। और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द मैं अंशु के लिए कुछ बड़ा करने वाली हूँ, हालांकि अब आगे आप सबको देखने को मिलेगा आखिर वो क्या करती हैं। और उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी बताया है कि अंशु बहुत जल्द सिवान आने वाली है, क्योंकि अगर कुछ दिन वो ससुराल से वहाँ जाती है मायके में तो थोड़ा सा दिमाग फ्रेश होगा, और बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है, बहुत ज़्यादा काम वाम को लेके, बहुत ज़्यादा काम वाम को भी लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, क्योंकि हालात ऐसे हैं और कुछ समय भी ऐसा है। अगर माना जाए तो देखा जाए तो अंशु भी कोई बच्ची नहीं है, हम उसे बच्ची भी नहीं कह सकते और बहुत बड़ा भी नहीं कह सकते कि अंशु बहुत बड़ी हो, 30-35 साल की भी ऐसा भी नहीं कह सकते, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो बहुत छोटी है, नादान है, पतली दुबली होने का मतलब ये नहीं है। हाँ वो अपनी एज के हिसाब से सही है, और ऐसे इतनी नादान होती तो उसकी वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझती, जितना हो सके वो अपने तरफ से कोशिश करती है, ऐसा नहीं है नहीं करती, हाँ कुछ एटीट्यूड है उसके अंदर, उस लड़की की थोड़ी सी छल्ली टाइप की है, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि थोड़ी सी है, और मतलब एक एक कुछ लड़कियाँ होती हैं शांत स्वभाव की होती हैं, कुछ लड़कियाँ थोड़ी सी चंचल होती हैं, तो चंचल में भी कुछ ज़्यादा ही चंचल है अंशु एक तरह कह सकते हैं, कुछ नादानियाँ उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा ही है उसमें। अब बात करेंगे अंशु की ननद का जो चैनल है उस पर से वीडियो क्यों डिलीट हुई है, वीडियो डिलीट करने का मेन रीज़न ये हो सकता है, अंशु के ससुर यानी कि उसके ननद के जो पापा हैं शुभम भाई के पापा, उन्होंने बोला होगा, या फिर अंशु की सास ने कुछ बोला होगा, या फिर उनके भाई शुभम भाई ने बोला होगा कि ये सब करना सही नहीं है, ऐसा बोलना सोशल मीडिया पे सही नहीं है, धीरे धीरे सब सीख ही जाएगी, सारा काम वगैरह सीख ही रही है तो ऐसे ही ये सब भी चीज़ें सीख जाएगी, कब कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें धीरे धीरे सीख जाएगी, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि वो अपनी तरफ से वो लड़की कोशिश कर रही है, थोड़ा या फिर ज़्यादा वो कोशिश कर रही है, और आने वाले समय में सब कुछ सीख जाएगी। तो ये थी अंशु के ननद के चैनल रिलेट होने की बात। और दूसरी बात हम बात करेंगे अप्सरा मॉम की, कहने के लिए ये बहुत बड़ी एजुकेटेड फैमिली है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी मानते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारी पब्लिक पसंद करती है। तो आज रंजना ने
आज या कल रंजना ने दुर्गा माँ का लुक क्रिएट किया था, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। उसने लुक क्रिएट किया था, सब लोग करते हैं, बहुत जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं या फिर बहुत सारे लोग दुर्गा माँ का लुक क्रिएट करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो उसमें अप्सरा मॉम का कहना ये था कि पंडाल में जाके बैठ जाओ, 9 दिन तक एक जगह बैठे रहो तो कुछ चंदा इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे मुझे आंटी जी की बात गलत लगी थी, क्योंकि क्यों जब छोटियाँ बच्ची होती हैं उन्हें देवी माना जाता है, जब वो दुर्गा जी का रूप धारण करती हैं तो उन्हें पूजा जाता है, और फिर सब लोग दुर्गा जी का रूप क्रिएट करते हैं। ऐसे कौन से यूट्यूबर नहीं है जिन्होंने माता जी का लुक क्रिएट नहीं किया होगा। बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने दुर्गा माता का लुक क्रिएट किया है और करते भी हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर उसने क्रिएट किया तो इसमें आंटी जी ने जो ये बात बोली कि चंदा इकट्ठा हो जाएगा पंडाल में एक जगह बैठे रहना, ये चीज़ किसी को भी हॉट होगी, रंजना को भी हॉट हुई होगी, ये चीज़ उन्होंने बहुत गलत कही है। कहने के लिए आप एक माँ हो और बहुत ही समझदार हो, आपकी एज के हिसाब से हो, तो बच्चे अगर कुछ गलत बोल देते हैं तो लोग बोलते हैं कि बच्चे नादान हैं, लेकिन माँ बाप जब बोलते हैं ना तो माँ बाप नादान नहीं है। और रही बात आपने जो ये बात बोली है, ये चीज़ गलत बोली है, इससे मैं भी समर्थ हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। क्यों, बुराई ही क्या है, बुराई ही क्या है, उसने दुर्गा माता का ही लुक क्रिएट किया। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कमेंट किया है, उनके कमेंट में जाके देखिएगा कि प्रिंस की कामयाबी से अप्सरा मॉम जलती हैं, प्रिंस रंजना की खुशी नहीं देखना चाहती। तो ये सब चीज़ें गलत है, नेगेटिव नहीं फैलानी चाहिए। और रही बात आंटी की, तो ठीक है, उन्होंने अगर बोल भी दिया होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अपने बेटे बहू की कामयाबी से जलेगा। कोई माँ अपने बेटे की खुशी से नहीं जलती है, कोई भी माँ यही चाहिए कि मेरा बेटा तरक्की करे, जैसे सचिन तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वैसे ये भी बढ़े, ये भी आगे बढ़े। इसमें एक माँ को गलत बोलना सही नहीं है। हाँ, ये चीज़ बुरी लगी थी, आपको भी लगी होगी, मुझे भी नहीं अच्छी लगी, मैंने भी देखा वीडियो, और प्रिंस के वीडियो के थंबनेल में ही है, जिसमें प्रिंस ने थंबनेल में ही लगाया। आप लोगों को तो पता है प्रिंस को राई का रायता बनाने बहुत अच्छे तरीके से आता है, जहाँ नहीं भी जाना हो वहाँ भी कैमरा घुसाड़ देता है, और वीडियो में बोलते हैं क्योंकि मेरे से बड़े ही होंगे, मैं उनको ऐसे नहीं बोल सकती, मतलब उनकी आदत है कंट्रोवर्सी करना। तो ये चीज़ को भी लेके बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है, जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी। और हाँ, एक और लास्ट चीज़, आप लोग ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि अंशु की ननद का चैनल का नाम क्या है, तो मैं लिंक में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, उनके चैनल पे चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि उनके चैनल पे सारी वीडियो डिलीट हो चुकी है। मैं ऐसे बोल नहीं सकती, मैं डायरेक्ट बता नहीं सकती, क्योंकि शायद अगले को कैसा लगे। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का नाम डाल दूँगी, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। देखो